ताकतवर पटवारियों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की खिल्ली उड़ा के रख दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल कमिश्नर का दफ्तर हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में निचले अधिकारियों का दफ्तर हो, सभी अधिकारियों पर पटवारी भारी पड़ रहे हैं। जिस तरीके से पीएचई विभाग के, पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई किसी की नहीं सुनते, इसी तरीके से पटवारी, आपने देखा होगा बड़ी बार पटवारी आपको पिछले दिनों धरना प्रदर्शन करते नजर आए, जबरदस्त धरना दिया उन लोगों ने, सरकार कोई डिसिप्लिनरी एक्शन किसी पटवारी के खिलाफ नहीं ले सकी। इसका मतलब सरकार भी डरती है पटवारियों से। पिछले दिनों सरकार ने पटवारियों को ट्रांसफर किया, आप मानेंगे नहीं कि कुछ पटवारी इनमें से ऐसे हैं जिन पटवारियों ने फौरन कैट का दरवाजा खटखटाया, कहा जनाब हमारे तो 2 साल पूरे हुए ही नहीं, सरकार ने हमें ट्रांसफर कैसे कर दिया, और कैट ने उनको स्टे दे दिया और स्टे के दम पर वापस वो उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर वो काम कर रहे थे। मास्टर टीचर लेक्चरर का समझा जा सकता है कि उनकी क्या परेशानियां हैं, वो क्यों किसी दूसरी जगह ट्रांसफर होकर जाना नहीं चाहते, लेकिन पटवारियों को जब ट्रांसफर किया जाता है, उन्हें एक्चुअली ट्रांसफर होने के बाद जिस जगह पर उन्हें भेजा जा रहा है जाने में दिक्कत क्यों आ रही है। एक ताकतवर पटवारी को लेकर कहानी सामने यह आ रही है कि फाइनेंशियल एफसी रेवेन्यू ने इस पटवारी को ट्रांसफर किया, इसके ट्रांसफर होने के बाद यह पटवारी फौरन एक वकील के पास गया और वकील के पास जाने के बाद इस पटवारी ने कैट का दरवाजा खटखटाया, कैट ने ऑर्डर पर स्टे दिया, कैट ने कहा 2 साल पूरे हुए नहीं है इसलिए आप जहां पर आपको लगाया गया है आप वहीं रहेंगे, आपको ट्रांसफर होकर किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भाई साहब वापस चले गए जहां पर थे, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जिस वक्त ये ट्रांसफर ऑर्डर हुआ उसी वक्त दूसरा पटवारी इस पटवार हलका में पहुंचा और उसने कहा जनाब मुझे चार्ज दे दीजिए। पटवारी ने चार्ज देने से इनकार कर दिया, यानी एफसी रेवेन्यू के ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया, कहा नहीं मानता मैं, चार्ज मैं नहीं दूंगा, मेरे 2 साल पूरे नहीं हुए, मैं कैट जाऊंगा। कैट चले गए, हक है, कानून ने आपको अधिकार दिया है। कैट जाने के बाद जब उन्हें राहत मिली तो दूसरी तरफ से आप जानते हैं बाबू लोग भी इस वक्त, तो आप जानते हैं जोर जो है बाबू लोगों का ही चल रहा है, वो जो उनको ठीक लगता है वो कानून, जो उनको ठीक नहीं लगे वो कानून नहीं। जहां पर उनको लगता है कि कानून को सख्ती करनी चाहिए वहां पर वो सख्ती करते हैं, और जहां उनको लगता है कि कानून को ढिलाई बरतनी चाहिए वहां वो ढिलाई बरतते हैं। तो बाबू लोगों ने कहा कि नहीं, इस मामले में इसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पास कुछ शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों का हमने संज्ञान लिया हुआ है और उन शिकायतों की बिना पर हमने अगर ट्रांसफरें की हैं तो इस महाशय को भी जहां ट्रांसफर किया जा रहा है वहां भेजा जाएगा। लेकिन जब इस ताकतवर पटवारी ने नए आए हुए पटवारी को चार्ज देने से इनकार कर दिया और डीसी के कहने के बाद बावजूद, एसीआर के कहने के बावजूद और कई ताकतवर अफसरों के कहने के बावजूद इस पटवारी ने चार्ज नहीं दिया, जगह नहीं देना चार्ज, वो छन्नी का पटवारी आपको याद आ गया होगा, ट्रांसफर होने के बाद भी उस छन्नी के पटवारी ने घुमाया, गोल गोल घुमाया, किसको, नए पटवारी को, डीसी के ऑर्डर को नहीं माना और अपनी मर्जी की एक रिपोर्ट बना के भेज दी। जब ये धरने प्रदर्शन पर होते हैं और नारेबाजी कर रहे होते हैं पटवारी, आप जब इनके पास जाते हैं तो उस वक्त जिस विनम्रता के साथ और जिस शालीनता के साथ ये आपसे मिलते हैं आपका दिल गदगद हो जाता है, लेकिन जब ये कुर्सी पर बैठे होते हैं और आप इनके पास चले जाते हैं तो जिस शालीनता के साथ ये आपको नचाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, ये तो आम आदमी जानता है जिसको घूमना पड़ता है। आम छोड़िए, एक पूर्व डीजीपी आजकल घूम रहा है, एक पूर्व डीआईजी घूम रहा है, एक रिटायर्ड एसएसपी घूम रहा है, एक रिटायर्ड आईएएस अफसर घूम रहा है, सब घूम रहे हैं। तो अब सुनिए तहसीलदार साहब की कहानी। तहसीलदार साहब को 28/3/2023 को तहसीलदार भलवाल को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने 28/3/2023 को सब रजिस्ट्रार जम्मू नॉर्थ को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि जनाब एक सेल डीड हुई है 3 कनाल खसरा नंबर
5651 5651 कंगड़ गांव तहसील बलवाल की, और उसमें ये कहा गया कि जमीन की अक्सम किस्म चेंज कर दी, गैर मुमकिन खड से उसे बंजर कदीम पटवारी ने बता दिया, गैर मुमकिन खड से उसे बंजर कदीम बता दिया। उसके बाद जब फैक्चुअल रिपोर्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मर से इस मामले में मांगी गई, तो उसने इस पूरे मामले को खंगाला और उसने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट 17 मई 2023 को दी, और उसमें यह पता चला कि फर्द जो 18 मार्च 2023 को इशू किया गया है उस फर्द में वाकई गड़बड़ी हुई है, जो बिल्कुल ताजा जमाबंदी और खसरा गिरदावरी है उसमें जमीन की किस्म कोई और है और पटवारी साहब ने किस्म कोई और बताई है। नतीजा ये निकला, डीसी ने कहा, डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा ने कहा कि ये जो कॉन्ट्रवेंशन, ये जो गलती, ये जो पटवारी ने की है किया है ये इलीगल है, और ये इलीगल है, और जो डिपार्टमेंट ने वक्तन फौक्तन इंस्ट्रक्शंस दी है उन्हें भी वायलेट करता है, और ये फ्रॉड है, मिसचीफ है, उसके अलावा अन्य कई और चीजें बताई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया और असिस्टेंट कमिश्नर नजूल के दफ्तर में इसको अटैच कर दिया गया। कहा गया जब तक इस मामले में इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती तब तक आप अटैच रहेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो कागजात हैं, जो रिकॉर्ड है, उससे कागजात को और रिकॉर्ड को आपसे बचाने के लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है कि आपको फौरन सस्पेंड कर दिया जाए। तो पटवारी साहब तो हो गए सस्पेंड, लेकिन पटवारी साहब के सस्पेंशन के पीछे की कहानी असल में यह है कि इन्हें ट्रांसफर किया गया था, और जहां इन्हें ट्रांसफर किया गया था वहां जाने से उन्होंने इनकार किया, स्टे ले लिया, और उसके बाद गलती पटवारी ने कर दी हुई थी जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा का रिकॉर्ड बताता है, उस गलती को पकड़ा गया और फौरन इसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आप जम्मू कश्मीर सरकार की हालत देखिए कि एक एफसी रेवेन्यू ट्रांसफर ऑर्डर पटवारी का करते हैं और पटवारी वो ट्रांसफर ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है और वो कैट चले जाते हैं और स्टे ले आते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आप एफसी रेवेन्यू से लड़ाई लड़ सकते हैं, आप डिवकॉम से लड़ाई लड़ सकते हैं, आप कानूनी तौर पर डीसी जम्मू से लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन पटवारी से नहीं। गलती से भी पटवारी के साथ पंगा मत लीजिएगा, निकलते निकलते वही करेगा जो उस पटवारी ने उस बेचारे प्रोफेसर के साथ किया। निकलते निकलते दो लाइनें ऐसी लिख दी कि प्रोफेसर साहब 6 महीने घूमते रहे और 6 महीने के बाद जाकर उनको फर्द मिला, उनने तौबे पड़े और कसम खा ली कि आगे जिंदगी में कभी कोई अप्रोच नहीं लड़ाऊंगा, कभी किसी डीसी डिवकॉम के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना डीसी की चलती है, न डिवकॉम की चलती है, न फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू की ये सुनते हैं। मैं किसी पटवारी को पकड़ लूंगा और कहूंगा जनाब बताइए करना क्या है, मुझे मेरा फर्द दे दीजिए। कानूनी तौर पर कागजात सारे आपके पास हों भी, तब भी एक आम आदमी को ये सब कुछ कहना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बदलाव तो लाया है लेकिन कोई इनकलाब नहीं आया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो दिक्कतें, जो परेशानियां आम आदमी को कल आ रही थी, ऑनलाइन आज भी वही परेशानियां और वही दिक्कतें आ रही हैं, और इसकी जिंदा मिसाल यह है कि बड़े बड़े अफसर रो रहे हैं, छोटे छोटे बेचारे लोगों की या मिडिल क्लास लोगों की इसमें हैसियत ही क्या, वो बेचारे कितनी लड़ाई लड़ेंगे।